चार रन मिलेंगे। चार पहले ओवर की समाप्ति पर हिम्मतनगर का स्कोर है 9 रन। तो जो अभी अभी क्रिकेट प्रेमी बंद अपने घर से निकले हुए हैं, हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि हमें जो आज का चल रहा है परहदा रानीगंज और हिम्मतनगर के बीच अपने कोटे का दूसरा हवाले करके और टीम तरफ 6 रन पहला छक्का आता हुआ और से बड़े बात ने खेल दिया है कि सीमा रेखा के बाहर जाके पहुंची 6 रन लगातार वापसी करते हुए गेंदबाज और उनके बल्ले से कट करके विकेट कीपर के दस्ताने में और अंपायर का डिसीजन आया और आखिर बिना अंपायर के सिग्नल के इंतजार किए पवेलियन जो अच्छे बल्लेबाज होते हैं पहला विकेट गिरता हुआ इंतजार नहीं करते हैं और 3 ओवर समाप्ति पर स्कोर है हिम्मतनगर का 21 रन एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद। इसी बीच सौरभ से ओवर विकेट और उसे प्रयासों ने खेल दिए जब तक गेंद को गिदर कर पाते तब तक दौड़ करके 1 रन लेने में सफल हुए। 4 ओवर की गेंदबाजी के बाद स्कोर है हिम्मतनगर का 28 रन एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद घर छोड़ करके मैच का आनंद लेते हुए बोल्ड हो गए। से ओवर में प्रियंशु को और प्रियंशु क्लीन बोल्ड हो गए समझ नहीं पाए तब तक उनके दूसरा विकेट गिरता हुआ यहां पर हिम्मतनगर का। तो हिम्मतनगर टीम के कप्तान ने टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। यह मैच जो है 20-20 ओवर का खेला जा रहा है। फिर से 4 रन मिलेंगे। सीधे चले टीम जाना है से ओवर विकेट और उसे खेल दिए बोल हो गए से ओवर विकेट क्लीन बोल्ड कर दिए समझ ही नहीं पाए कि लेग स्टंप की गुल्लियां बिखरी और इसी प्रकार तीसरे विकेट का पतन होता हुआ हिम्मतनगर का 6 ओवर की तैयारी चल रही है। 20 ओवर का मैच है नमन को और से गाड़ी में खेल दिए जब तक गेंद को गिदर कर पाते तब तक दौड़ करके 2 रन लेने में सफल। 6 ओवर समाप्ति पर हिम्मतनगर का स्कोर है 39 रन 3 खिलाड़ी के आउट होने के बाद 6 ओवर समाप्ति के बाद पावर प्ले समाप्त हो गए हैं। बड़ी गेंदबाजी सौरभ की ओवर में दीप ने सिर्फ 1 रन खर्च किए और 1 रन अतिरिक्त लिए और ओवर समाप्त हुआ। 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है हिम्मतनगर का 41 रन 3 खिलाड़ी के आउट होने के बाद भरे हुए और उसे उसी प्रकार की बल्लेबाजी सीमा के बाहर जाके पहुंची 4 रन सिर्फ 7। ऐसा मैच आप अंतरराष्ट्रीय मैच में देखते हैं अधिकांश सीमित चले दाना से अमर बिगड़ से क्रिकेट कर दिए फील्डर के पास सदूर अगेन सीमा रेखा के बाहर जाके पहुंची 4 रन बाई का चौका। 4 रन पूरे हो चुके हैं हिम्मतनगर के। सिमेचले मारने का प्रयास लेकिन बैट बॉल के संपर्क नहीं हुआ बहुत अच्छी बार ओवर समाप्त हुआ। 8 ओवर समाप्ति बाद स्कोर है हिम्मतनगर का 51 रन 3 खिलाड़ी के आउट होने के बाद जो अभी सिमेचले भी बधाने हाथ से ओवर विकेट मारने का प्रयास लेकिन देखते ही देखते हुए आंखों ही आंखों में मिला करके रन चुरा लिए।
2023 सामने उनके हैं। यस कप्तान धीरे धीरे कदमों से मायूस होकर के हिम्मत नगर का चौथा विकेट गिर चुका है। कमेटी जो डॉक्टर आज नियुक्त हुए हैं डायरेक्ट थ्रो और रन आउट, बहुत अच्छी फील्डिंग और थ्रो। एक और विकेट गिरता और टीम के नहीं जा पाता हुआ, टीम को सत्ता टूटता हुआ इस छक्के के जरिए स्कोर जाके पहुंचा। हमें भी पता है चौसठ रन, 10 ओवर में 64 रन, 10 ओवर की गेंदबाजी अभी शेष है। दिव्य आए हैं गेंदबाजी करने, अंपायर के ओवर विकेट छह और गेंद सीमा रेखा के बाहर जाकर पहुंची, दोनों पार का सन्नाटा हुआ। छह रन चार रन गेंद सीमा रेखा के बाहर जाकर पहुंची, चार रन और इसको सत्ता कुत्ता हुआ जाके पहुंचा 74 रन। पिछले तीन गेंदों पर 14 रन आ चुके हैं। फिर से में 85 रन बन चुके हैं। ये चले गए राजस्थान से ओवर में बल्लेबाज को और बल्लेबाज ने खेल दिया है, बहुत ही अच्छा बैटिंग डायरेक्ट थ्रो एक रन, यहां पर खतरा हो सकता था लेकिन 12 ओवर समाप्ति पर स्कोर है 90 रन होने के बाद जाके पहुंची 4 रन 98 रन 13 ओवर में 98 रन 5 विकेट के 13 ओवर में 98 रन नहीं पड़ रही है, नहीं हो रही है, आउट हो गया। छक्का और चौका लगा दिए हैं इस ओवर में, एक छक्का और एक चौका लगा के बहुत सारे दर्शक यहां पर देख रहे हैं। एक और विकेट गिर, 50 रन बनाने के बाद मामा आउट हो गए हैं 15 ओवर में। Yeah! Yes! 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 Y
फिर चले गए पास दाएं हाथ से ओवर विकेट, जोरदार अपील। विश्वास कम उत्साह ज्यादा, इसी में चले इस बार दाएं हाथ से ओवर विकेट से खेलते हैं। दो रन लेने में सफल हुए दोनों बल्ले बाद 17वें ओवर समाप्ति के बाद स्कोर है 134 रन। सात खिलाड़ी के आउट होने के बाद यह है स्कोर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए हिम्मतनगर का स्कोर 4 रन मिलेंगे। खराब गेंद का खराब नसीहत करते हुए गेंद खेल दिया है के सीमा रेखा के ऊपर। सीमित चले धारा हासिल के बाद, सात खिलाड़ी के आउट होने के बाद 19वें ओवर की गेंदबाजी जारी। गेंदबाज चले धन्यवाद से ओवर के ओवर में खबर हो सकता था और सामने पकड़े गए आउट। एक और विकेट गिरता हुआ हिम्मत और ये भी डबल एक सौ 47 रन बन चुके हैं। 19 ओवर चल रहा है। 4 रन मिलेंगे। उन्नीस ओवर खत्म हो चुके हैं। लास्ट ओवर प्रगति की गेंदबाजी समाप्त हुई। स्कोर है 152 रन। आठ खिलाड़ी के आउट होने के बाद अंतिम ओवर की गेंदबाजी। इस समय चले गेंदबाज अजीत दाएं हाथ से ओवर विकेट और दिए थे जब तक गेंद को कदर कर पाते तब तक दौड़ करके 4 रन सीमा रेखा के बाहर 4 रन 156 रन। बहुत ही आसान सा कैच। एक और विकेट ना हुआ विकेट गिरता हुआ यहाँ पर देकर के आदिल चले गिरवास जाने हो सकता है और पकड़े गए और आज आउट हो गए हिम्मतनगर के सभी खिलाड़ी। 158 रन बनाए हैं। 20 ओवर में बराधा रानीगंज को 159 रन बनाने होंगे। मैच में बने रहना है तो अनवरत चलने वाला है टूर्नामेंट। विगत वर्षों की भारतीय स्वर से भी अंतर जनपद के प्रतियोगिता 158 रन बनाए हैं। जीत के 159 रन चाहिए 20 ओवरों में। बरहदा की लिए उनकी ये राइट हैंड बल्लेबाज के प्रमोद के लिए अच्छी डिलीवरी बिल्कुल तकरीबन स्टॉक डिलीवरी। तो जीत के लिए 159 रन चाहिए। जीत के लिए दोनों बल्लेबाज बरहदा के पहुंच चुके हैं। 20 ओवरों में 159 रन इनको चाहिए। 8 रन प्रति ओवर के ओवर की समाप्ति के बाद इस समय बरहदा का स्कोर है 4 रन बगैर किसी नुकसान के। तो वास्तव में जितनी तारीफ की जाए पहले की गेंद पर 1 रन प्राप्त हुआ है। स्कोर जा पहुंचा है 5 रन और अच्छी गेंद इस बार बिल्कुल के बगल से गेंद को खेला है और जब तक फील्डर द्वारा गेंद फील्ड हो दौड़कर एक रन पूरा किया है दोनों बल्लेबाजों ने। इसी बीच ओवर की समाप्ति 2 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय स्कोर है बरहदा का 10 रन। स्कोर बोर्ड को बढ़ाना होगा तेजी के साथ। नमन बाएं हाथ से राउंड द विकेट अच्छी गेंद होते हैं और यहां पर अच्छी डिलीवरी से भर हुई है। अभी से कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन
बाद जाके कोशिश धनराती हुई। चार रन और दबाव से निकलने का एक ही रास्ता है, वह है बढ़िया प्रहार करें। 16 रन बिना किसी नुकसान के, 3 ओवर में 16 रन जैसे धप्पा। काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके पैर चलते हैं और कलाई चलती है, ऐसा कुछ अभी तक देखने को नहीं मिला है बरकत के द्वारा। जबकि नंबर 3 के बल्लेबाज हैं सानी ने एक बार फिर से गेंदबाज और अच्छी डिलीवरी, इस बार मिडल और लेग स्टंप पर टप्पा खाने के बाद सीधी रहती हुई और एक अच्छी उछाल। मैगन ओवर वास्तव में तारीफ के पात्र है ये गेंदबाज। 6 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय पर आधा का स्कोर है 23 रन। 1 विकेट के पतन के बाद पावर प्ले अब समाप्त हो चुका है, निगाहें जम चुकी होंगी। और सिलू की ये गेंद निश्चित रूप से खराब लेंथ की गेंद थी और पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा था बल्लेबाज के, देख रहे हैं गेंद के पीछे फील्डर खड़े हैं उसके बावजूद भी वो रन नहीं भाग रहे हैं, वो कयास लगी दफा सामना करेंगे। गेंदबाज सिलू का दाहिने हाथ से ओवर द विकेट की गेंद, अंपायर मंगल सिंह को वेट किया और क्या खूबसूरत कलाइयों के सारे गेंद को मोड़ दिया। इसके पीछे फील्डर भाग रहे हैं दौड़ करके, एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए भी पलट चुके हैं और आगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट उठ किएगी अंपायर मंगल सिंह को बीट किया और इस बार होम में गेंद आ गया साथ, उसके नीचे फील्डर खतरा हो सकता था लेकिन डबल माइंड ने दिखे यहां पर फील्डर सामने। एक बार तो लगा कि वो गेंद के लिए जाना चाहते हैं, कैच बनाना चाहते हैं लेकिन अंत समय में अच्छा बैटल देखने को मिल सकता है और ये यॉर्कर लेंथ की गेंद थी और करारा प्रहार करना चाहते थे लेकिन गेंद का जो है मोटा सिरा लेते हुए इस बार फेल्डमैन बाउंड्री की तरफ गई थी और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छा तालमेल बल्लेबाजों ने इस 2 रन की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है 30 रन। इस ओवर में अब थोड़ा सा बल्लेबाज 2 चौके कैच फुट करते लगा है। तीन चौके इस ओवर में बरकत लगा चुके हैं। बरहदा का 48 रन 9 ओवर में 48 विकेट के पतन के बाद वास्तव में और काफी दमखम दिखाया गया हवा में उसके नीचे फील्डर नमन, वहां पर खतरा हो सकता था लेकिन इसी फील्डिंग अभी तक हिम्मतनगर के द्वारा सिलू और ये क्या खूबसूरत ड्राइव किया है। हालांकि फील्डर वहां पर तैनात थे कैप्टन की गेंद पर शाहबाज के द्वारा बल्लेबाज किया है एक बार फिर से सीधे बाउंड्री के बाहर। 3 गेंदों पर 3 चौके लगातार, 3 हैट्रिक चौके लगते हुए समय शाहबाज के बल्ले से और 12 रन आ चुके हैं शुरुआती की 3 गेंदों में और स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 71 रन। तो जो एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है उसको यहाँ पर बनाने का प्रयास है कि थोड़ा सा अपने लेंथ पर काम करें। लगातार छोटी गेंदें उनके द्वारा फेंकी जा रही है और ये भी ऑफ ब्रेक के पास होते हैं वो खासा सीधे उनको छकाते हुए बाउंड्री के बाहर गए छक्के के लिए। छक्के की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है
78 रन ओवर की समाप्ति, तो 11 ओवर की समाप्ति के बाद इसमें बराधा का स्कोर है 78 रन। रुचि का सिंगल टूटा, उनकी ये गेंद लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सहवाज के लिए, बॉलर्स बैक ड्राइव किया था। हालांकि पहले सिलू को अब अपनी पूरी चतुराई भरी बुद्धिमानी भरी गेंदबाजी करनी होगी, जिस प्रकार के बल्लेबाजी कर रहे हैं बराधा के बल्लेबाज, उसे रोकना होगा हिम्मतगढ़ के गेंदबाजों को। बहुत ही अच्छा कैच, नए बल्लेबाज हैं ध्रुव। अब भी मैच बराबर बराबर चल रहा है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। गेंद सीमा रेखा के बाहर गई, 4 रन ओवर के अवसर खेलने वहां पर फील्डर मौजूद, सिर्फ 1 रन गेंदबाज, 88 रन। और विकेट कीपर से मिस हुआ, तब तक बाई के रूप में दौड़ करके न लेने में सफल हुए। 12 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर है 89 रन, 3 खिलाड़ी के आउट होने बाद यह स्कोर पलटा, रानीगंज का स्कोर 70 रन। 48 गेंदों पर 70 रन बनाने हैं, जो कि बहुत मुश्किल नहीं हो सकता, आराम से बना सकते हैं 48 गेंदों पर 70 रन। से नमन को बुलाया गया है अब गेंदबाजी पर, जो कि प्रमुख गेंदबाज हैं, शायद उनके 2 ओवर्स को रोका गया था कि आप डेथ ओवर में गेंदबाजी करेंगे, लेकिन जो यहां पर बल्लेबाजी हुई है दोनों बल्लेबाजों, ग्रुप को चाहिए कि वो अपने पेशेंस को बनाए रखें, क्योंकि बिल्कुल उनके साथी बल्लेबाज सहवाज बिल्कुल एविल लुइस के अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और नमन ओवर की अगली गेंद बाएं हाथ से ओवर कर दिया है, क्या खून सूरज के थी। जैसा कि मैंने पूर्व में भी जिक्र किया था कि जब टीम मुश्किलों में नजर आती है तो उनके कप्तान, अगर सबसे पहले किसने गेंदबाज, नमन पांडे जी, नमन चले तलावे छोर से रन मिलेंगे। बाएं हाथ से राउंड विकेट और सीमा रेखा के बाहर जाके पहुंचे 4 रन, पहली मिस फील्डिंग। स्कोर है बराधा का 95 रन, 5 खिलाड़ी के आउट होने के बाद अब आगे हमारे पांडे जी 13 ओवर में 95 रन 5 विकेट गिरने के बाद 42 गेंदे 64 रनों की जरूरत है, ओवर द विकेट गेंद करेंगे बल्लेबाज सहबाज के लिए, और इस बार उसको जो है के नीचे गेंद यहीं रुकी है, सीधे प्राकृतिक अवरोध पंचवटी से टकराई है, और जब तक फील्डर्स द्वारा गेंद फील्ड हो 2 रन मौका था 2 रन चुराने का, ऊपर की अगली गेंद होल्ड कर दिया है, यहाँ पर बगैर गेंद के लाइन में आए हुए गेंद को लॉक करना चाहते थे, एक गहरा आघात लगता हुआ छठवां झटका लगता हुआ गेंद के रूप में, जबकि इस समय टीम का स्कोर है 98 रन, 6 खिलाड़ी जो कि आउट होकर पवेलियन में जा चुके हैं, 14 ओवर की समाप्ति, तो अब 6 ओवर में 61 रनों की जरूरत है। नए बल्लेबाज है विनोद, उनकी ये गेंद और अच्छी डिलीवरी देखिए आप, लगातार जो है अन्यथा बल्ले चलाते रहिए, नमन गेंद फेंकते रहेंगे ओवर बीतता जाएगा, और इस बार आगे निकल कर गेंद को हल्का सा
ड्राइव किया है, वहां पर फील्डर तैनात है, दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं, खतरा हो सकता है, भाग्यशाली थे, कहना चाहते हैं बन चुके हैं, घटित हो सकता है क्या जादुई पारी यहाँ से। दोनों टीमों का मनोबल के दम कभी इधर कभी उधर, लेकिन धड़कने कंफर्म नहीं कौन जीतेगा, या तो समय बताएगा सीबी चले। और इस ओवर में नमन ने सिर्फ दो रन दिए, बल्लेबाज को बात करके रखा, 30 गेंद 59 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए, लेकिन अभी मैच बराबर बराबर पे है, हम नहीं कहेंगे कि किसके पक्ष में, तो लंबी नीट आपके बल्ले से निकल सकते हैं, आउट ना हो जाएं, लेकिन अगर आप चाहेंगे कट लगाएं, क्योंकि गेंद काफी फंस करके आ रही है, धीमा विकेट है, स्लो गेंदे हैं और डायरेक्ट हिट का खतरा हो सकता है, और जो प्रमुख गेंदबाज है उनका स्पेल भी अब समाप्त हो चुका है, सिर्फ शायद सेलू का एक ओवर बचा हुआ है, और बाकी की जो अब छठे गेंदबाज के रूप बरहदा के बल्लेबाज तो जरूर, और बार करारा प्रहार किया है, कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास, बिल्कुल घुटनों के बल बैठकर स्लॉट सेव किया है, अंपायर का इंतजार रहेगा, निश्चित रूप से गेंद डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर गई, 6 रनों के लिए इस छक्के की मदद से स्कोर पहुंचता हुआ जा पहुंचा है बरहदा का 109 रन। ओवर की समाप्ति तो 16 ओवर की समाप्ति के बाद मनोज गुरु जी स्कोर है 109 रन, अब यहां से 4 ओवर में 50 रनों की जरूरत है, यानी दस रन बन चुके हैं। आठवां विकेट जीतता हुआ दिव्य 0 रन पर आउट हो गए। अभी 11 गेंदों पर 40 रन चाहिए। और 10 गेंद 40 रन, एक रन नहीं ले रहे हैं, ये कैसे गए? अब गेंद सीमा रेखा के बाहर जा रही है, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद था, दौड़ करके 2 रन लेने में सफल हुए, आंखों देखा मत ना डाउट। अच्छा होता लेकिन वो लोग सीनर पर ध्यान ना दिए, आज वही बयान बहुत भारी पड़ रहा है। छह गेंदों पर 37 रन और उसे खेल दिए,
कहीं नहीं। अब अगर पहले बारिश हो जाएगा तो मैच, लेकिन अब समझ लीजिए कि मैच का पहला जो है परिणाम जो है नगर के पक्ष में है। और यहाँ पर मैच जीत गई है।